भैया जब मतलब ये कुर्ता भी वाह कोई मैं पाया कहाच पर खिल आयो काम करके वो है किसान नहीं था बग करता पैजामा न पैर के टाई बेल्टन बेल्ट जा रहे हैं जी भाषण दे रहे हैं जी गरीब किसान न भका रहे हैं जी हम बार चूती समझ में आ जाए बैठ जाए उन पता ना कि है कह रहे है है और बात है चौटाला वाली बात है यू एम मस्टर नहीं गाड़ी आई है यार पीछे भग रहे हैं कहीं तो रुक है कि वही तो वो बात चल रही है मैंने जो गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने खरीद लिए पहले ही और मैं उनको घोटाला करूँ ना दम तो का ये तुमने बताया खोट है तम तो अपनी जनता के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम तो तो सगे कौन किया हो मैं बताऊ सारे गांव में वैक्सीनेशन भी वैक्सीनेशन ना है, है रे आगे तो रुपया दे दी सरकार ने हर गांव में वैक्सीनेशन होगा गयो आइसोलेशन तो सेंटर बनाए जाएंगे कहा है रुपया खा गए बीच में आधे पर्दे लगाए हैं कोई मरीज ना पहुंच रहे कहीं सिलेंडर का कहीं मोदी खोट है मोदी खोट है मोदी दे घर घर जाकर मोदी लगा मतलब तब वैक्सीन लगवाओ तब मत आइसोलेशन सेंटर लाओ तब सिलेंडर घर बांटू में मैं मतलब तो या काम मोदी करे वो मतलब मतलब एक टू छप्पर मोदी भाई और तो और मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री बा माँ को चश्मा टूट गो तो नया चश्मा मिला सके दो रात बांध रखे हो आज तक कई एम एल ए विधायक की नहीं होता माँ को चश्मा टूट जाए तो बांध सके ऐसे लग्जरी गार्डन में डोले बी एमडब्ल्यू बड़ी बड़ी गार्डिन में उनके मतलब ये ठाट ऐसी हैं कि, है कि दारू उनते तो कल्ला है, है यार तुम खुद सोचो तो प्रधानमंत्री की माँ को चश्मा टूट गो ऐसे भंडार भरता हो तो, तो कर लेता सही बात है तो, तो रामदेव तो मोदी के साथ है यू तो बढ़िया आदमी लगता होगा मास्टर जी आप भाई साहब खूब बढ़िया है सत्तर रुपया किलो आटो बिठ पतंजलि को जो तीस रुपया किलो बेचा हो पहले आ सत्तर रुपये किलो बेच रो सब तो बढ़िया आदमी भैया वहाँ में संजीवनी बूटी लगा रोज लक्ष्मी न लगाओ लक्ष्मी लगा हनुमान लगा पहाड़ उठा के वहाँ बूटी वही मिला रो ऑटे में रे न बताओ अठारह रुपये किलो नाज बिछ है दो रुपये किलो पैसा लगा ले एक किलो पे कितने रुपये बीस रुपए पच्चीस लग गए वहाँ तीस रुपये महंगा पहले आज भाई ये सत्तर रुपये किलो दे है भैया जी बताइ यू दे है ये खा रहा है या आगे पीछे ना कछना बाबा जी हो पड़े हुआ है बताओ जी है। ना आगे पीछे ज़्यादा हाँ नमस्कार साथियों मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज आपके सामने हम प्रोग्राम लेकर आए हैं किसान आंदोलन के ऊपर और यहाँ पे कुछ सवाल जवाब करेंगे मैं और अजीत मास्टर उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे किसान आंदोलन चार पांच महीने से बैठे हैं शायद वो लोग और अभी भी बैठे हुए हैं कोरोना का समय चला हुआ है लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं धारा एक लग रही है, हाँ, है। उसके तहत मतलब ये कि पांच आदमी खट्टे बैठ सके लेकिन बैठे बैठ के झुंडे अब कहे कौन थे ये है कि चल रही है और हाजी जी दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि किसान नेताओं का काम किसानों के बारे में सोचना नहीं है वो सिर्फ अपना हित साध रहे हैं वो राहुल गांधी के कहने से चल रहे हैं तीन कृषि कानूनों के फायदे ही तो आपको पता ही होगा और नुकसान भी आपको पता चल गया होगा किसानों की फसल उठी थी तो क्या ये जो किसान नेता हैं ये कांग्रेस के कहने से बैठे हुए हैं वास्तव में लगता तो ऐसा ही है और लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो दुष्यंत जो छोरा है वो डिप्टी सी बना दिए हुआ है भाई गलत काम तो जो भी कर रहा हूँ क्यों दारू नशा का काम है और नशा को ठेक हो जाए युवा समय पथ हुआ जबकि बंद करने और जबकि यान बंद करने कही चुनाव से पहले आज मतलब हाँ चाचा ताई परेशान कही है बोलवा भाई रोज पिटे और जो मारे हैं दारू पी के जो करें दारू ठेके बंद करने कही आज वही दारू को ठेक वाई पे उल्टे सीधे काम कर रहा बताओ जी उल्टे सीधे कहा काम कर रहा? दारू बिचवा रहे मैं जो ना कर ठीक है लाइसेंस तो बिचवा कम बिचवा अब अब नेता किसान नेता की किसान <सगे> <की> <सगे है> नेता ने बताया है कौन सा दूध दूध ले किसान नेता बताओ छोटे मोटे गरीब आदमी इन पर बता हुकम चला दें जो कर भाई न्यो कर भाई अभी हम भहकाई में आ जाए इनके खुद के तो कंपनी और फैक्ट्री और पेट्रोल पम्प चल रही है बड़े बड़े बिजनेस इनके हाँ ये किसान नेता हैं किसान नेता तो वो भैया जो मतलब ये कुर्ता विवाह को मैं ले पा आदि पोत कहाँ से कीच की खेल के आयो काम करके वो है किसान नहीं था दारे बैग करता पैजामा न पैर के टाई बेल्टन बेल्टनते जा रहे हैं जी भाषण दे रहे हैं जी गरीब किसान ने रहे हैं जी हम बार चूती समझ में आ जाए बैठ जाए उन पता ना कि है कहा रहे हो है और बात है चुटाला वाली बात है यू एम मिस्टर नहीं गाड़ी आई है या पीछे भग रहे हैं कहीं तो रुके कि वहीं मुँह चेंगे तो वो बात चल रही है नहीं ना पता कानून कहाँ है क्यों बनाए गए कैसे बताए गए कोई कह सकें बतासी ने कार और सफ़ेद कहा है सही बात मास्टर जी अगला सवाल आपसे ये डीएपी महंगा क्यों हुआ था किसानों का डीएपी महंगा हुआ था किसान इसका मतलब ये मोदी सरकार किसानों के हित में नहीं है डीएपी महंगा कर दिया अमोनिया फास्फोरस है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से साठ से सत्तर परसेंट बढ़े हुए अब तो यहाँ बात लगा रहे तो जाना हो बढ़ गो बट गो बट गो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कोई चीज़ है तो वापस अमोनिया फास्फोरस बढ़ गो तो मोदी का आखिर गया मैं ये तो सब्सिडी दीजिए किसान उल्टी बल भाई एक बार बढ़ा दियो उन्नीस सौ फिर कर दियो बारह से बड़ा ये तो हमें फ़ायदा करे हमार नहीं यहाँ तब यह बात है बड़े लेवल देखो हमारा डॉलर के आगे रुपये के मुकाबले का हाँ। पे जब है जब सत्तर बहत्तर पचहत्तर रुपये मिले जब जाकर एक डॉलर मिलेगा उनको और विदेशी यहाँ से घूमे हमारे हम हरियाणा हिंदुस्तान में हम जामें कभी विदेश घूमने के क्यों ना जामे कि बताओ मोदी मोदी किसान मैं तो ना सोच रहा ना तो तीन काले कानून में सोच रहा हूँ और देख खात वात तो महंगो कर दे पतन तुम क्या कह रहे हो अखबार में मैं बताऊंगा ठीक है कि मतलब ये है कि ना सोच रहो भाई ये बता इतना ना सोच रहो अगर 2022 तक 2022 तक 2022 तक किसान क्या दुगनी दोगुनी करेगा ये बात लिख रही है और दूसरी बात युवा है कि मोदी ने अब तक एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपया किसान बीमा योजना में दिए जो दो हज़ार के शाब है आवे ना आवे क्यों ना सोच भाई सीधे अब तक तक आ रहे थी एक रुपया के चक्कर में आज मतलब खाते में सीधा रुपया आ रहा है और अब तक मत से बचिए सब जगह सच दिया हिंदुस्तान में और सबसे बढ़िया रेट मिले हैं गेहूँ टेम पर बिच रहो है मैसेज आ फोन में बिचवाओ जी खाते में रुपया आ गए जी बहत्तर घंटा के अंदर अंदर बताओ और कहाँ फैसिलिटी रहेगी पहले आ रही थी आपने रुपया काट कूट के दिया उन्नीस सौ से तीन कानून पास करवाना चाह रहे हैं किसान आंदोलन इनके यही ना पता पड़ पड़ी वो या तो फायदा है वो नुकसान है भैया या देश की पता होगी या पता होगी मतलब हमारी ओर और कर कर रो बढ़िया काम आगे तुम्हें पता होगी और ज़्यादा गलत काम कर रहे हो भैया उन काले कानून में बता दो कौन कौन से काले कानून है उन पर हम सफेद करवाएंगे बैठने की बात कही बैठ के बात कर लियो वे करे ना है कष्ट ना तो कष्ट गड़बड़ी है जब न्यों के दी सरकार ने भाई बैठो समझो तो करो बैठ के पंचायत करेंगे त्यारे जो कमी है उन पूरी करेंगे लेकिन ना वापस करो बार बार एक बात बात तीन काले नुकसान होयो कोई फिलहाल हैं भाई ना? ये बात कह रहे हैं। रतन टाटा और मतलब अम्बानी अडानी ले लेंगे प्रॉपर्टी ले लेंगे ले 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 ले, यो कर लेंगे ले। भैया टाटा चाय भी है टाटा और मतलब ये की वे नमक भी है और टाटा मतलब अब तो कोई हो ना अब अब तो फायदा तो फायदा और हाँ नुकसान? और इन्हें होगी नुकसान हो भी कमेंट बता कौन है ये जो फसल भी भी, हाँ, जो फसल फसल अभी गई है तो इसमें होगी किसान हाँ, की और उन तीन कानूनों के हिसाब से बिची हो होगी हाँ तो इसमें कोई फायदा दिखा या नुकसान दिखा आपको ना मुझे तो कोई नहीं दिखा और छह महीना बताओ ये किसान बैठे हैं इनको मतलब ये खाना खर्चा कहाँ तैयार हो दिल्ली में बैठे छे महीने सिंधु बॉर्डर पे टीकरी बॉर्डर पे पलवल तो बॉर्डर तो पे बात ये साथियों अब फिलहाल कोरोना का समय चला हुआ तो अब तो इनको कम से कम घर चला जाना चाहिए एक लगी हुई है ठीक है गुरु जी बैठे ये बताया घर तक चून चाट लेके आएगा चूने चाखी लेके आए घर से कौन दे रहा है किसान नेता जा रहे हैं उन पर कहाँ से आ रहा है सोच वाली बात है छोटी छोटी बार मोट बोट बात है शक्तिमान बारी बात है छोटी छोटी मगर मोट मोट बात है गैस बहुत बढ़ा दी मास्टर जी गैस भी तो बढ़ी है मान रहा हूँ गैस बढ़ी है अब तुमने बताओ हमारे घर में पहले कैसे सिलेंडर है और कितनों काम सिलेंडर पर कराए अब लकड़िया पहले हमने अपनी आँखें देखे गुरु जी भट्टी हम भट्टी में लकड़ी क्यों वे चले करे लकड़ी आज कौन कर रहा है लकड़ी पर काम अब तो सिलेंडर लाएंगे पंद्रह सिलेंडर ले आए हलवाई लिखवा दी जी पंद्रह सिलेंडर बीस सिलेंडर आ गए जी भट्टी है जी पेड़ ने कैटने देवाद सासन की बीमारी ऑक्सीजन कमी पड़ रही है और अः जब वाताओ गो तम खो गिरने का कोई दूसरा आपको तम ही गिरेंगे

तो इनको जो मतलब ये धंधे ना चौपट है जाएंगे और आपने देखी है ये अंबानी रानी तो सारे हैं इनको देश है रोजगार दे रहे हैं लेकिन विदेशी कंपनी पे मतलब अधिकार करवाना चाह मैं चाइना जैसी चाइना जैसी ये दूसरे के बापते बाप कह रहे हैं दूसरे के हक में बोल रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भैया मेरे हिसाब से तो बढ़िया काम है रो है अब बीच में जो सिस्टम ख़राब है अब ना बताओ मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं प्रोपिया को छोड़ रहा है अब मैंने जो गैस के सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने खरीद लिए पहले ही और मैं उनको घोटाला करूं ना दम का ये तो बताया खोट है तुम तो अपनी जनता के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो तो तुम तो 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 सगे कौन हो किया बताओ सारे गांव में वैक्सीनेशन भी वैक्सीनेशन ना है रे आगे तो रुपया दे दिए सरकार ने हर गांव में वैक्सीनेशन हो गए आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे कहा है रुपया खा गए बीच में आधे पर्दे लगाए हैं कोई मरीज ना पहुँच रहे कहीं सिलेंडर का है कहीं मोदी खोट है यहाँ मोदी खोट है मोदी दे घर घर जाकर मोदी लगा मतलब तब वैक्सीन लगवाओ तब मत आइसोलेशन सेंटर लाओ तब सिलेंडर घर घर बांट जी बीजेपी करती लगे, लगे। देखो ठीक है बताओ मेरी आपकी लड़ाई बैजगी hmm. मेरी आपकी लड़ाई बैठगी तो पंच आधे तीर मांग जाएंगे आधे मेर मांग जाएंगे जाएंगे ना जायेंगे वे इकट्ठे क्यों हुए कौन सबरे वाम पत्ती कांग्रेस सपा बसपा आर जे डी टी एम सी और तीन सदस्य इकली बीजेपी इधर और इत के सब्री भाई तो अब अबमनु घेरने की सलाह आए कि अब मनु मारो दुर्योधन ना करी दी करी कह मनु ने सबरे एक एक करके आ जाओ कौन सो है जब दुर्योधन के लग बनाओ तीर मान के मोह या कि मृत्यु चाहिए कैसे मरे घेर के मारो सबरे भैया सात सात महाजन के टक्कर ले रहे भाई ये पता है ये अभमन्यु भैया बचाओ अगर ये मर गो तो दोबारा मरीद पैदा होना आगे चाहे मर जी मैंने ना कर मैं तो देश हित की बात कर रहा हूँ नहीं ना वो सिलेंडर की कमी आ रही है क्यों आ रही है जब मोदी साहब ने हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी ने दूसरे देश में दवाई पहुँचा दी तो देश में कभी पड़ जाम दी सोचने वाली बात सही बात है और तो और मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री की माँ को चश्मा टूट गो तो नया चश्मा मिला सके डोरा तो बांध रखे वो आज तक कई एम एल ए विधायक की जो होता माँ को चश्मा टूट जाए तो बैंध सके ऐसे लग्जरी गाड़ियों में, में उनके मतलब तो है तो 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 प्रधानमंत्री की माँ वहा चश्मा टूट गो ऐसे भंडार भरता हो तो तब तक हाथ कहा कर लेता तो रामदेव तो मोदी के साथ है यू तो बढ़िया आदमी लगता होगा मास्टर जी आप भाई साहब खूब बढ़िया है रुपया किलो ऑटो बिछ रो है पतंजलि को जो तीस रुपया किलो बेचा हो पहले और सत्तर रुपये किलो बेच रो है सब तो बढ़िया आदमी भैया वहाँ में संजीवनी बूटी लगा रहा हो उस दर लक्ष्मण न लाओ लक्ष्मण ला लगाइए हनुमान लाइ पहाड़ उठा के वहाँ पर संजीवनी बूटी वही मिला रहा हो उस आटे में रे ना बताओ अठारह रुपये किलो नाज बेच रहे हो दो रुपये किलो पैसा ही लगा ले एक किलो पे कितने रुपये का बीस रुपए पच्चीस लग गा वहाँ तीस रुपये महंगा पहले आज भाई सत्तर रुपये किलो दे रहे हो भैया जो आता ये ये देश तो ये खा रहा या या आगे पीछे ना कछ ना बाबा जी हो या परे हुए बताओ जी अरे कहा जागे कछ ना जा है तो ना आगे पीछे वाह जा है वो इतना सोच रो यू बढ़िया है देश को पैसा देश में तो है कहा दिक्कत है अरे देश को पैसा देश में मैं जो ना कह रहा हूँ अब विदेशी जो मतलब ये चाइनीज कंपनी बढ़ावा क्यों दे रही हो चाइनीज कंपनी बढ़ावा क्यों दे रहे हो बहुत से जो होता इनकी कंपनी है या मतलब पतंजलि है इन पर आधे ज्यादा आइटम तो दूसरी कंपनी की है और लेबल लगा दियो अपनों तो बेच रहे हैं क्या बात लेबल में ही सब कुछ है कहा प्रिंटेड चीज बेच रही तो उनासी रुपया है ना रेट तो उनासी ही रुपया की बेचेगी ना कि अठहत्तर की अस्सी तो ले लेंगे लेकिन अठहत्तर ना लेंगे फिर भी देश को पैसा देश में तो है ही अरे कहा देश में नहीं होता वह चून में मन कहा कर दियो ऐसा पैसा लग देश में माँ डे बाला नहीं खावेगी बताया चून में ज्यादा तीस रुपये किलो है वो तीस रुपये महंगा बताया मैंने अपने ने लुट रहा है अपने भैया तो लुट रहे हैं कहा सन्दी बूटी बुला रहे वहाँ में कांची जब मुझे बताओ रामदेव की जड़ी बूटी इतनी बढ़िया है जो दवाई जो काट करे बीमारी में अच्छा देश के लिए बढ़िया काम कर रो है जड़ी बूटी दे रो है और शुद्ध शाकाहारी मतलब चीजें की हर चीज़ और देश की जड़ी बूटीन के ऊपर डिपेंड होना सिखा रो हो है ऐसी मलुक मलुक जड़ी बूटियाँ जिन पर इलाज है जा अच्छा ऐसी जड़ी बूटी इलाज हो तो तो बाल कृष्ण गोस्वामी संग जो काम करे करे वो बीमार फर गो तो एम्स में क्यों गए भैया अपनी जड़ी ने बना तो बात इलाज कर तो हम मानते बा मरे मरा हुए आदमी जिंदो दियो या मरने के जारो जिंदो हो और हाथी की दात खाने के और दिखाने के और क्योंकि हाथी के तो दो, दो दाँत रहे ना तो दिखे वे देखने देखने के खाने के तो और रहे दूसरे तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा ही पातंजिक तो अपने आदमी बचाओ तो क्यों गए एम्स अस्पताल में भर्ती होने के क्यों देखा है वो हम रुपया वह मतलब कहाँ पर है अपनी जड़ी बूटी वैसे तो अमरूद के पत्ता जड़ी बूटी बना रहे हैं वे कई बार एलोवेरा बनवा दी पब्लिक पे और कई कई कीला दियो

तिजोरी को साफ करके देश का पैसा देश में रखें यानी कि जो चीज़ बीस रुपये की है उसको सत्तर में खरीदें उन कंपनियों उनको भर दें जो देश में ही तो इसका मतलब ये भी तो नहीं हो सकता कि अपने घर का पैसा देश में रख दें यानी कि अपने घर को साफ कर दें झाड़ू लगा दें और देश के पैसे को देश में रखें यानी कि थोड़े से नियम और कायदे होने चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट बंद कर दो अगर तुम्हें ऐसी दिक्कत है विदेशी कंपनी के सामान बंद कर दो तुम्हें दिक्कत है लेकिन अपने देश खरीदो और देश तम भी जानो इस्तेमाल करके जी खेल खत्म तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे किसी नए मुद्दे पर तब तक आप अपना ख्याल रखिए खुश रहिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम तू भी बोल देकर जय श्री राम जय श्री राम रामन को भक्त है का श्री राम बोल नाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम